जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में कि इनफर्टिलिटी जो होती है मतलब उसका रीज़न क्या होता है और मतलब कपल जो होता है उसके अंदर क्या मतलब वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो लोग कंसीव नहीं कर पाते या ख़वातीन जो होती हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती. इसमें मतलब कौन कौन सा मतलब किस क्या वजह होती है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की, उसके क्या कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के, उसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं, कौन कौन से टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं इनफर्टिलिटी के अंदर और मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है इनफर्टिलिटी का, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. थैंक यू. जी तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि और हमारा आज का टॉपिक भी है इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों से बात होगी कि इनफर्टिलिटी मतलब क्या होती है, किन लोगों में कॉमन होती है बहुत ज़्यादा और इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इनफर्टिलिटी जो होता है उसको किस इनफर्टिलिटी जो है उसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है. तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी की कि जैसा कि आपको मालूम है कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो मतलब किसी में भी हो सकती है. कपल अगर एक कपल है और वो कंसीव करने की मतलब ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, पेशेंट फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट होने की जो होती है कोशिश कर रही है और जो है लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है प्रेग्नेंट, ठीक है, तो उसके काफ़ी मतलब कॉजेस होते हैं, उसका एक बैकग्राउंड होता है. तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो किसी में भी हो सकती है, मतलब या तो इनफर्टिलिटी फीमेल में हो सकती है. अगर इनफर्टिलिटी फीमेल में है तो फीमेल को जो होता है के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कअप करने की ज़रूरत होती है, या फिर इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है. तो अगर मेल में इनफर्टिलिटी है तो उसके अंदर जितने भी मेल के फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी कॉज करने के उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी है तो वो क्या चीज़ें कॉज कर रही हैं, या अगर फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी है तो वो किस वजह से हो रही है. मतलब अगर मतलब ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की फीमेल और तो मतलब कंसीव होने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज फैक्टर ऐसे होते हैं जो देखने पड़ते हैं और जो कि हेल्प करते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए. तो मतलब सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि भाई अगर मतलब कोई सा भी कपल है, ठीक है, और वो जो होते हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं कपल और इनफैक्ट दे आर हैविंग ए रेगुलर मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है, मतलब वो एक रेगुलर बेसिस पे आपस में जो होता है उनका हो रहा है लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे या कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसके अंदर रीज़न ये होता है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये रेशियो लिया जाता है कि अगर 7 कपल्स हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक कपल जो होता है उसको प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की या वो लोग कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है. और लेकिन जो तकरीबन कह लें कि ओवर 80% जो कपल्स होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं विद इन ए ईयर वो जो होते हैं कंसीव कर लेते हैं और जो होता है मतलब रेगुलरली वो रेगुलरली जो उनका जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है वो अगर वो 2 to 3 days के हिसाब से कर रहे हैं तो वो जो होते हैं कपल जो होते हैं विद इन ए ईयर जो होता है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं ओवर 80%. लेकिन ऐसे कपल होते हैं जो कि वो ट्राई कर रहे होते हैं तकरीबन फॉर लास्ट 2 years और 3 years से लेकिन उनको कोई सक्सेस नहीं हो पाती या कोई वो मतलब चांसेस जो होते हैं प्रेग्नेंट होने के उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं नेचुरली.
और तो इसको हम लोग देखते हैं कि मतलब ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो होते हैं कपल जो होते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और क्या चीज़ें हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रही हैं। इसमें डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली कंसीव कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी उनको टाइम लगता है, थोड़ा लॉन्गर कंसीव करते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग, मतलब कुछ को विद इन ईयर कर लेते हैं, कुछ को जो होता है टाइम लगता है, मतलब वो एक साल, दो साल, तीन साल। तो इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि उनके क्या रीज़न है। अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहा कपल तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, उसके अंदर फर्टिलिटी के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो जब ही डायग्नोज होती है, या जब ही डायग्नोज होती है जब कपल जो होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते, और जो होते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग, मतलब वो काफ़ी ट्राई कर रहे होते हैं कंसीव नहीं कर पाते आफ्टर ईयर ऑफ ट्राइंग, यू नो, मतलब कोशिश कर रहे होते हैं प्रेगनेंट होने की लेकिन नहीं हो पाते। तो इसके अंदर जो होते हैं दो तरह की इनफर्टिलिटीज होती हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जब कहते हैं जब पेशेंट जो होता है उसने कभी भी कंसीव ना किया हो, और मतलब कोई उनका मतलब पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ हो और वो ट्राई कर रहा हो प्रेगनेंसी के लिए, तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए कपल, वो पहले जो होता है उनकी कोई प्रेगनेंसी हो या उनके बच्चे हों पहले, और लेकिन दिस टाइम उनको प्रॉब्लम हो, तो इसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी में इनफर्टिलिटी में पहले कोई चिल्ड्रन नहीं होते उनके, ये पहले पेशेंट या कपल जो होते हैं प्रेगनेंट नहीं होता, लेकिन तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो इसके साथ साथ अगर पेशेंट जो होता है वो मतलब कॉजेज जो होते हैं इसके इनफर्टिलिटी कॉजेज, मतलब किस वजह से ये हो रहा होता है, कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो इसके अंदर ये होता है कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इनफर्टिलिटी वुमेन के अंदर जो होती है, मतलब उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं कि फीमेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि ओवुलेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसा कि आपको पता है कि जो भी मतलब ओवरी होती है पेशेंट की, फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो रिलीज़ करती है ओवम एवरी मंथ जो होता है, वो ओवम ओवुलेशन होती है, ओवम जो होता है वो रिलीज़ होता है ओवरी के साथ, और मतलब या एग रिलीज़ होता है फ्रॉम ओवरी। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन होती है जो कि इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर देती है कि ओवरी से एग जो होता है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा, ठीक है, ओवरी से एग रिलीज़ नहीं हो पा रहा, तो जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो फिर ओवुलेशन नहीं होगी, तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगी तो अगर जो स्पर्म आ रहा होगा मेल की तरफ से तो वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर नहीं होगी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो मतलब यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी इश्यू जो कि ओवुलेशन से मुतालिक हो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज यही हो सकता है कि ओवरी के कोई इश्यू हो। ठीक है, वो इश्यू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई सी भी ऐसी कंडीशन मतलब जो कि जो ओवम रिलीज़ कर रहा होता है, ओवरी रिलीज़ कर रही होती है, उसके अंदर इश्यू हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जैसे होती है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ओवरीज़ के अंदर जो होती है सिस्ट डेवलप हो जाती है। जब ओवरीज़ के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाती है तो वो सिस्ट क्या करती है कि जो भी ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज़ होता है, एग जब रिलीज़ होता है फीमेल की ओवरीज से और जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद यूट्रस के अंदर जाके, या पहले एग जो होता है वो मिलता है स्पर्म के साथ, फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो कुछ प्रोसेस हो ही नहीं पाता, क्योंकि फीमेल का जब एग ही नहीं रिलीज़ होगा तो वो किसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन किस तरह से पॉसिबल है वहाँ पे। ठीक है, तो एक तो कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है,
ठीक है, फीमेल के अंदर, इसके अंदर और भी मतलब वेट भी ज़्यादा होता है फीमेल का, और उनको मतलब ऐसे साइन और सिम्टम्स भी होते हैं जो कि मतलब एग जिसकी वजह से रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। और इसके अलावा थायराइड का इशू है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में भी जो होता है ये होता है कि, या फिर हाइपरथायराइडिज्म है वो भी जो होता है, हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन को, ठीक है। तो ये एक तो ये वजह हो गई हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी, और एक ही होता है कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर में क्या होता है कि बिफोर द एज ऑफ 40 ओवरीज जो होते हैं वो काम करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। जब ओवेरियन फेलियर ही हो गया है, ओवरी फेल हो गई है एग रिलीज करने से, तो फिर एग रिलीज नहीं हो पाता, तो ये भी कॉज है इनफर्टिलिटी का वुमेन के अंदर। या फिर कोई प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो वुमेन की, पहले कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो, या कोई फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई हो, या कोई सर्वाइकल सर्जरी हुई भी हो, और या कोई यूट्रस की सर्जरी हुई हो, तो वो सर्जरी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एडिशन डेवलप हो जाती है आफ्टर द सर्जरी। जब वो एडिशन डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी होता है अगर सही तरह से वो रिमूव ना हुआ हो ड्यूरिंग द सर्जरी, और पेन के साथ साथ क्या होता है वो एवोल्यूशन में भी प्रॉब्लम होता है, तो कोई भी उसकी वजह से स्कैरिंग डेवलप हो जाता है। जब स्कार बन जाता है वहाँ पे, तो वो मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर कहने के ओवरी के अंदर, या यूट्रस के अंदर, तो वो भी कॉज करता है इनफर्टिलिटी, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो, सही सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, या फिर ये आपको जैसे कि पता है कि सर्वाइकल अगर कोई इशू है, फॉर एग्जांपल जब वुमेन जो होती है वो ओवुलेशन उनकी हो रही होती है सर्विस के अंदर, तो सर्वाइकल म्यूकस का कोई इशू हो गया, सही है, सर्वाइकल म्यूकस का कोई इशू हो गया, तो मतलब ये कि जब स्पर्म आता है सर्वाइकल सर्विक्स के अंदर स्पर्म आता है, लेकिन कोई सर्वाइकल म्यूकस अगर सर्विक्स से रिलीज नहीं हो रहा, तो स्पर्म को जो होता है वो मतलब कह लें कि मूव करने के लिए कोई मोटिलिटी के लिए उसको स्पेस नहीं होती, तो ये भी एक कॉज है ओवेरियन फेलियर का कि सर्वाइकल म्यूकस का भी प्रॉब्लम है। या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होते हैं यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से भी क्या होता है कि एक तरह से फाइब्रॉइड जो होते हैं वो एक तरह से नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, और ये कि कह लें कि अराउंड द यूट्रस, और वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ठीक है। तो ये कि और ब्लॉक कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब को, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा होता है फाइब्रॉइड का, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी फाइब्रॉइड्स की, या तो एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड है, या सब सीरोसल है, ये सब म्यूकस है, ये वहाँ से ग्रो करते हैं यूट्रस से, और ये क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का फीमेल के अंदर। और या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी, ये इन्फेक्शन होता है अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक का, और ज़्यादातर ये मतलब कोई भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उसकी वजह से क्या होती है, फीमेल की जो पेल्विक है या पेल्विक एरिया होता है या फेलोपियन ट्यूब्स है वहाँ पे जो होता है डैमेज होकर स्कार डेवलप हो जाता है, और स्कार की वजह से ये इम्पॉसिबल होता है फीमेल का कि मतलब फीमेल के ओवम जो होता है वो पास नहीं हो पाता वहाँ से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से, क्योंकि वो स्कैरिंग हो जाती है फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि वो मतलब ओवरी से अगर रिलीज भी हो रहा है, ओवम ओवुलेशन हो रही है, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए मतलब यूट्रस के अंदर नहीं जाता, या फिर उसकी कोई ना कोई ब्लॉक हो जाती है, तो एक ये भी रीज़न उसका होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट पहले स्टरलाइजेशन हुई हो फीमेल की, क्योंकि बाज़ लोग ये होते हैं कि जिसके अगर चिल्ड्रन ऑलरेडी हों तो वो स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है वो ब्लॉक हो जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कोई क्लिपिंग लगा हो जाती है, क्लिप लगा देते हैं, तो उसकी वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाता वो, ठीक है। तो वो एग जब रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगी, और ये कि सम टाइम वो रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर हम उन क्लिप्स को जी। तो हम लोग बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ और क्या क्या हो सकते हैं, तो एक
कॉल स्टेरिलाइजेशन भी होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर वुमेन के अंदर बात की जाए स्टेरिलाइजेशन की, तो कुछ जो खवातीन होती हैं वो खुद चूज़ करती हैं स्टेरिलाइज होना। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर उनकी ऑलरेडी मतलब उनकी बड़ी फैमिली है या उनके बच्चे हैं ऑलरेडी हैं, तो वो आगे जो होता है फर्दर अपनी फैमिली को बढ़ाना नहीं चाहती, तो वो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो होता है उसके अंदर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में ये होता है कि वो जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जब ओवरी जो होती है ओवरी रिलीज करती है ओवम को, तो जब ओवम जो होता है फेलोपियन ट्यूब में आता है तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसकी क्लिपिंग कर दी जाती है। उसका जो एंड होता है जहाँ से ओवम रिलीज होने के बाद उसको मूव करना होता है फेलोपियन ट्यूब से फिर यूट्रस की तरफ, लेकिन वो जैसे ही वो जहाँ से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही होती है ओवरी के साथ अटैच होती है उस जगह पे एक क्लिप लगा दिया जाता है, राइट ओवरी पे एक जगह पे क्लिप लगा दिया जाता है लेफ्ट ओवरी में, और उसकी वजह से ये होता है कि वो एग जो होता है या ओवम जो होता है वो मूव नहीं कर पाता। जब मूव नहीं कर पाता तो वो जो होता है स्पर्म के साथ मिलता नहीं और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, तो ये मतलब ये प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का या कह लेंगे प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट ही नहीं होता। ऐसी खवातीन के अंदर जो स्टेराइजेशन हुई हुई है जिनकी, लेकिन स्टेराइजेशन कुछ कंडीशन के अंदर रिवर्सिबल भी होती है। मतलब अगर ये क्लिपिंग वो बाद में अगर वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली बढ़े या बाद में वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली हो, तो ये स्टेराइजेशन के अंदर ही होता है। वो क्लिपिंग जो होता है रिमूव भी हो सकती है, क्लिपिंग जो होती है वो क्लिप को फिर रिमूव कर देते हैं कुछ अर्से बाद, 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद अकॉर्डिंग टू यू नो, अगर वो चाहती हैं, अगर नहीं चाहती तो वो ऐसे ही परमानेंट हो जाती है। लेकिन अगर रिवर्सिबल के अंदर फिर वो क्लिप को रिमूव कर देते हैं तो वो दोबारा से ओवम मूव करता है, वो दोबारा से प्रोसेस ओपन हो जाता है कि अगर वो चाहती है कि प्रेगनेंट हो। तो एक रीज़न इनफर्टिलिटी का ये भी है जैसा भी है डिस्कस किया सजेशन। इसके अलावा कुछ मेडिसिन या ड्रग्स भी जो ले रहे होते हैं उसके वो भी कॉज करती है इनफर्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं एनएसएड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हाई डोज के अंदर जैसे कि ब्रूफेन है एस्पिरिन है, तो इसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करना या प्रेगनेंट होना अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी इसमें कहा जाता है कि आप मतलब लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करें, जब आपको ज़रूरत हो, जब आप फील करें और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट के लिहाज से और एडवाइस के साथ जो डॉक्टर एडवाइस करे उसके साथ यूज़ करें, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई कैंसर डायग्नोस हुआ है कीमोथेरेपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो क्योंकि कीमोथेरेपी मेडिसिन जो क्या कॉज करती है ओवरी का फेलियर कॉज करती है, जब ओवरी फेल हो जाती है तो वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इस वजह से वो भी जो होता है कॉज है इनफर्टिलिटी का। इसके साथ साथ अगर बाज़ मेडिसिन होती है न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन कहा जाता है उनको, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कहा जाता है जो कि यूज़ करते हैं साइकोसिस के अंदर और मतलब कभी कभार जो होती है, या फिर ऐसी मेडिसिन जो कि हार्ट फेलियर में भी यूज़ की जाती है एडीमा को रिड्यूस करने के लिए, स्पिरोनोलैक्टोन के नाम से है, या फिर जो है ये मेडिसिन सारी जो होती हैं ये भी जो होती हैं एक तरह से इनका साइड इफ़ेक्ट होता है ये फर्टिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं ये मेडिसिन, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म यूज़ में है तो ये मतलब काफ़ी हद तक कहने के इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, लेकिन इनका जो होता है या फिर ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे कुछ लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं हीरोइन है यू नो कोकेन है, तो ये चीज़ें भी जो होती हैं इफेक्ट करती हैं फर्टिलिटी के ऊपर। सही, अगर हम मैन के अंदर बात करें इनफर्टिलिटी की तो मैन के अंदर भी ये होता है इनफर्टिलिटी के अंदर, तो कॉमन कॉज जो होता है मैन के अंदर इनफर्टिलिटी का वो क्वालिटी ऑफ सीमन, सीमन जो होती है उसकी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा पुअर होना, मतलब सीमन मतलब वो फ्लूइड होता है जो कि इसके अंदर स्पर्म होते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा पुअर होना ये भी जो होता है इनफर्टिलिटी का कॉज है। जो रीज़न हो सकते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन ये है कि रीज़न क्या कि स्पर्म काउंट भी लो है, मतलब स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए भी मतलब मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है उनका, तो वो फर्टाइल नहीं होने के लिए प्रॉब्लम होता है, या स्पर्म की मोटेलिटी बहुत ज़्यादा कम है, स्पर्म मतलब सीमन के अंदर स्पर्म तो है लेकिन वो मोटाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर पाते और उनके शेप अब नॉर्मल है स्पर्म का,
तो जब शेप अबनॉर्मल है तो उनकी मूवमेंट भी अबनॉर्मल होगी, और वो मतलब फर्टिलाइजेशन जब वो ओवम के साथ उसको मिलना होगा तो वो प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट नहीं होता है ड्यू टू अबनॉर्मलिटी ऑफ स्पर्म की वजह से। और इसके साथ साथ ज़्यादातर ये होता है क्योंकि बास कंडीशन के अंदर ये होता है कि इसमें कोई रीज़न इसका नहीं पता होता, पता चलता है कि भाई इतनी पोअर क्वालिटी क्यों है। मतलब मैन अगर मतलब अगर मेल के अंदर कॉज है इनफर्टिलिटी तो लेकिन उसका लिंक जो होता है वो इस तरह से होता है कि स्कॉटम जो होता है जहाँ पे स्कॉटम जो होता है उसकी जो टेम्परेचर होता है यूजली इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसकी वजह से सीमन की क्वालिटी जो होती है वो इफेक्टेड होती है। तो इसी वजह से ये एडवाइस दी जाती है ऐसे लोगों को भाई ज़्यादातर अगर आप अंडर गारमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे इतने ज़्यादा टाइट ना यूज़ करें, लूजली फिटेड यूज़ करें जो कि ज़्यादा लूज भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो ये जो होता है हेल्प करता है फर्टिलिटी को, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो वो जो होता है फर्टिलिटी भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि मेल के अंदर जो होती हैं टेस्टीज जो होती हैं प्रोड्यूस कर रही होती हैं और स्टोर कर रही होती हैं स्पर्म को, इस तरह से फीमेल के अंदर ओवरीज जो होती हैं वो ओवुलेशन कर रही होती हैं प्रोड्यूस कर रही होती हैं ओवम ओवरीज, इसी तरह मेल के अंदर टेस्टीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं स्टोर कर रही होती हैं स्पर्म को। इसमें यही है कि अगर कुछ भी टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी इफेक्ट करता है सीमन की क्वालिटी के अंदर, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए, टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए, या कोई टेस्टिकल की सर्जरी हुई हो आपकी, कोई हाइड्रोसील है, यू नो, इस तरह के कोई कुछ भी टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, या कोई कंजनेटल डिफेक्ट है, या कोई आपको बॉन्ड जब हुए जब से प्रॉब्लम है, एंडिसन टेस्टिस है, कुछ भी टेस्टिकल्स का इश्यू है वो भी इफेक्ट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। या इसके साथ साथ जो होती है ये कि मतलब अनडिसेंट टेस्टिंग से जैसे बात की आपसे लेकिन इंजरी हुई हो कोई आपकी टेस्टिकल्स की, इसके साथ साथ ये भी रीज़न है। इस तरह स्टराइजेशन की जैसे हमने फीमेल में बात की थी कि मेल के अंदर भी स्टराइजेशन करते हैं, मतलब ऐसे मतलब जिनको आगे फर्दर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको नहीं चाहिए होते या वो नहीं चाहते कि वो कोई मतलब आगे फैमिली को बढ़ाएं, तो उनके अंदर वैसेक्टोमी ऑफर की जाती है। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मतलब जो मतलब वैस डिफरेंस होता है, वैस डिफरेंस जो होता है जहाँ से मतलब सेमन निकल रहा होता है, मतलब बन रहा होता है जहाँ पे, उसकी जो ट्यूब होती है वैस डिफरेंस को जो स्पर्म को कैरी करती है, तो उसको जो होता है मतलब कैरी करती है स्पर्म आउट ऑफ टेस्टिकल, ठीक है, तो या तो उसको सील कर देते हैं या उसको कट कर देते हैं अगर परमानेंट स्टराइजेशन है, या उसको सील कर देते हैं वैस डिफरेंस को। तो उसमें ये होता है कि फिर जो होता है आपकी जो मतलब सीमन होता है वो स्पर्म वो बनाता नहीं है, ठीक है, वो कैरी नहीं करता। तो ये भी जैसे रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है वैसेक्टोमी, और कोई मतलब इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसको वापस दोबारा से अगर आपने कोई सीलिंग की हुई है या ट्यूब को ब्लॉक किया हुआ है तो ये दोबारा से रिवर्सिबल दोबारा से ये मतलब इसको दोबारा से नॉर्मल किया जा सकता है, ठीक है। बाकी कोई इजेकुलेशन प्रॉब्लम है, इजेकुलेशन डिसऑर्डर है, और ये कि इसके साथ साथ इजेकुलेशन इश्यूज हैं वो भी रीज़न है इनफर्टिलिटी का। हाइपोगोनाडिज्म है, मतलब ये आपको पता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है और वो स्पर्म को बनाता है टेस्टोस्टेरोन, तो हाइपोगोनाडिज्म के अंदर उसका लेवल कम होता है तो इस वजह से वो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसके साथ साथ कोई ट्यूमर है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है जिसके अंदर जो होता है, या कोई ट्यूमर है और इसके अलावा कोई इलीगल ड्रग ले रहा है पेशेंट, मेडिसिन एंड ड्रग्स भी कॉज करती हैं जैसे सल्फा सेलाजीन है, ये जो होती है कॉज करती है इनफर्टिलिटी की, इसके ऊपर इफेक्ट करती है स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर। ये मेडिसिन सल्फा सेलाजीन जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यूज़ करते हैं ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर, क्रोन्स के अंदर। सल्फा सेलाजीन का साइड इफेक्ट ये होता है कि स्पर्म की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देती है, और लेकिन ये होता है कि जब आप ये स्टॉप कर देते हैं ये मेडिसिन लेना
तो वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ चले जाता है काउंट, सही है? या फिर स्टेरॉइड्स हैं, जो लोग मतलब मसल बिल्ड कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के लिए वो यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स, या कोई इस तरह की या कोई बॉडी बिल्डर्स हैं या रेसलर हैं वो लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो वो भी स्पर्म के काउंट को रिड्यूस करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी पर भी इफेक्ट करते हैं। इसी तरह जैसे कीमोथेरेपी में बात की कि कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को कोई कैंसर हुआ है कीमोथेरेपी ली है और उसको कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ किए कोई, तो वो भी स्पर्म काउंट को रिड्यूस करती है, ठीक है? या कोई ऐसे लोग जो हर्बल मेडिकेशन यूज़ करते हैं, हर्बल रेमेडी यूज़ करते हैं जो कि रूट मतलब कोई चाइनीज हर्बल होती है, वो भी जो होता है स्पर्म को साइज को स्पर्म की क्वालिटी को रिड्यूस करती है और जो होता है टेस्टिकुलर साइज भी रिड्यूस कर देती है, ठीक है? इसके साथ साथ ड्रग्स की हमने जैसे बात की थी कोकीन हीरोइन मैरिजुआना यू नो लाइक इस तरह की मेडिसिन भी जो होती है इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। समटाइम्स जो होती है इनफर्टिलिटी जो होता है इसका रीज़न नहीं पता चलता कि क्यों इनफर्टिलिटी हुई है, कोई मतलब आइडेंटिफाई करने का इशू होता है, कॉज कुछ नहीं पता चल रहा होता। तो अगर आपको लगता है कि आप भी कोई इनफर्टिलिटी की तरफ आपका कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है तो आपको इनफर्टिलिटी है या आपके पार्टनर के अंदर इनफर्टिलिटी है तो प्लीज़ डिस्कस करें इसको अपने डॉक्टर के साथ ताकि जल्द से जल्द इसको जो होता है रूल आउट किया जा सके कि क्या रीज़न है इसका। और इसके साथ साथ फिर ऐसे लोगों को जो होता है IVF ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। और इसके साथ साथ जो होता है ये तो बात हो गई सारी कॉजेज़ जो हमने डिस्कस कर लिए कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस की जहाँ तक बात आ जाए कि डायग्नोस किस तरह करता है मतलब डायग्नोसिस को किस तरह करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए इसमें ये होता है कि मतलब ये कि पहले सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की और ये देखा जाता है कि ये कब से ट्राई कर रहे हैं और मतलब और ये कि पहले कभी मतलब इन्होंने प्रेगनेंस हुई है पेशेंट ये पहले कंसीव की है प्रेगनेंसी कोई या मतलब कोई ऐसा तो नहीं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन ले रही हूँ। तो ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस की लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से भी जो होता है कि मतलब ये भी इंटरप्ट करता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेना और ये भी कभी कभार फर्टिलिटी पे मतलब इसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है? इसके साथ साथ देखना पड़ता है कोई मेडिकल हिस्ट्री लेना पड़ता है कि कोई मतलब कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कोई STI सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज तो नहीं हुई पहले या फिर अगर वुमेन है तो उसको देखना पड़ता है पीरियड रेगुलर है इरेगुलर है या फिर कोई मेनोरेजिया वगैरह तो नहीं है ज़्यादा पेन नहीं है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही या फिर इसके साथ साथ ऐसी मेडिसिन तो कोई नहीं ले रहा जो कि इफेक्ट करें इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोसिस में देखनी पड़ती है, लाइफ स्टाइल देखना पड़ता है कि स्मोक तो नहीं कर रहे वेट कितना है आपका कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं कर रहा ड्रग तो नहीं ले रहे और इससे आपके कोई स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या क्या हैं हो सकता है स्ट्रेस की वजह से भी ये हो रहा हो। और ये कि फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है इसमें आपका देखना पड़ता है कि BMI कितना है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स की वेट कितना है हाइट कितनी है और आपका जो है तो एग्जामिन करते हैं पेल्विक एरिया पे देखना पड़ता है कि लम देखते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है लम भी नहीं है टेंडरनेस नहीं है कोई ओवेरियन ट्यूमर फाइब्रॉइड तो नहीं है जैसे हमने पहले डिस्कस किया एंडोमेट्रियोसिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ये सारी होती हैं। फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं वुमेन के अंदर ब्लड टेस्ट करते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं उसके अंदर आप जो होते हैं हार्मोन चेक करते हैं, ठीक है? ब्लड के प्रोजेस्टेरोन चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि पेशेंट जो फीमेल है वो ओवुलेशन हो रही है उनकी या नहीं हो रही, सही है? ये सारा इसको डिपेंड करता है टेस्ट का ब्लड टेस्ट लेने का टाइमिंग ऐसी होती है कि आपका देखना पड़ता है कि पीरियड्स अगर उनके रेगुलर हैं पेशेंट के तो उसके हिसाब से ये टेस्ट लेना पड़ता है अगर इरेगुलर पीरियड है तो फिर जो होता है मतलब एक और हार्मोन होता है उसको कहते हैं गोनाड्रोपिन जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है एग। अगर इरेगुलर हैं तो गोनाड्रोपिन हार्मोन जो होता है उसको देखना पड़ता है कि वो कितना है ब्लड के अंदर और वो वाकई ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहा है ओवुलेशन करवा रहा है या नहीं करवा रहा। लेकिन अगर पीरियड रेगुलर है और तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन चेक करते हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये ओवुलेशन में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा।
इस तरह से एक क्लैमिडिया टेस्ट करना पड़ता है जो कि STI करवाता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो इफेक्ट करती है फर्टिलिटी के ऊपर। इसके अलावा साथ साथ अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जो चेक करते हैं ओवरीज को, यूट्रस को और फेलोपियन ट्यूब्स को, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है ओवेरियन में कोई, और ऐसे डिजीज तो नहीं है जो कि प्रेगनेंसी से रोक रही हो। कभी कभार स्कैन के अंदर आप देखते हैं कि भाई ओवरी कोई ब्लॉक तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है कहीं पर, जो जिसकी वजह से मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही हो, या एग जो होते हैं आप उसमें मतलब उनका जो हो रहा है मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है साइकिल फर्टिलाइजेशन की। और ट्रांसवजनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं फीमेल के अंदर, उसके अंदर देखते हैं कि भाई चेक करते हैं प्रॉपर कि भाई हेल्थ देखते हैं ओवरीज की, फेलोपियन ट्यूब्स की और यूट्रस की और वजाना की, को देखते हैं कि कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है जो कि प्रिवेंट कर रहा हूँ वहाँ पर। और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, सही है, उसके साथ भी आपको पता चलता है। इसके साथ साथ अगर एक मतलब एक फ्लूइड भी इंजेक्ट करते हैं कुछ कंडीशन के अंदर यूट्रस के अंदर, और जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि ये जो होता है कितना हेल्प करता है इस फ्लूइड जो इंजेक्ट करते हैं आप यूट्रस के अंदर थ्रू ट्यूब, और ये देखते हैं कि कोई ब्लॉक वगैरह तो नहीं है वहाँ पे सीवी के अंदर, अगर ब्लॉक होता है तो उससे पता चलता है। इसके साथ साथ जैसे आपसे बात की अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी जो होता है वो लोग देखते हैं कि फ्लूइड जो होता है फेलोपियन ट्यूब को चेक करते हैं कि ब्लॉक तो नहीं है फेलोपियन ट्यूब, या इस तरह मतलब लैप्रोस्कोपी भी करते हैं बास कंडीशन के अंदर, उसके लैप्रोस्कोपी के थ्रू या तो बायोप्सी लेते हैं या एग्जामिन करके मालूम करते हैं, इस तरह एक्सरे होता है लैप्रोस्कोपी हो गई। अच्छा, जहाँ तक मेल की बात है तो मेल के अंदर भी फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं, मेल के अंदर सीमेन वगैरह शुरू होता है।